15x40। जी हाँ दोस्तों, आज का जो प्लान है 15x40 में, जिसमें नीचे दुकान है पूरा और ऊपर मकान है। कहने के लिए ना कि नीचे दुकान ऊपर मकान, हमने इसी कॉन्सेप्ट में प्लान को डिजाइन किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया आएगा। और कोई नक्शा बनवाना है तो नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके नक्शा वगैरह बनवा सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल आपको बताते हैं कि करके किस तरीके से हमने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बनाया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिवेशन का। आप देख सकते हैं मकान की हाइट को हमने 2 फीट ऊपर रखा है, तो फ्रंट से आपको स्टेप देना होगा और यहीं पे ही आपका चैनल गेट हो गया एक साइड में, एक साइड में आपका रास्ता 3 फीट का पैसेज हो गया अंदर जाने के लिए। ठीक है, ऊपर की बात करें तो ये 3 फीट छज्जा आपका बाहर निकला हुआ इस तरीके से मिल जाएगा। और बाकी किनारे पे आपको इस तरीके से ग्रिल के पैटर्न में, आपको यहाँ पे ग्रिल यूज किया गया है, किनारे पे आपको इस तरीके से ईंट से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। बाकी विंडो का डिजाइन आप देख लीजिए, इस तरीके से सी पैटर्न पे आपको विंडो का डिजाइन आपको मिल जाएगा। ये डिजाइन की अगर हम बात करें तो 5 इंची है और 5 इंची आपका आगे निकला हुआ इस तरीके से मिल जाएगा। और ऊपर छज्जे की बात करें तो आपका फर्स्ट फ्लोर पे जो ऊपर छज्जा है इस तरीके से आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी ये गुमटी की बात करें तो इस तरीके से हमने गुमटी दिया है। सीढ़ी हमने पीछे से बनाया है ताकि हर चीज़ सेपरेट रहे दोस्तों। ठीक है, तो ये था एलिवेशन। अब ग्राउंड फ्लोर की हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेकंड फ्लोर हटाते हैं और आपको ग्राउंड फ्लोर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 15 फीट फ्रंट हो गए, 40 फीट टोटल लेंथ हो गया। ये पूरा आपका हॉल रहेगा। ठीक है, लंबाई देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर दीवार करना है, सेपरेट करना है, और एक पैदल गेट के लिए भी आपका दिया गया है। अगर आपको इसको सेपरेट करना है तो आप यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल दे दीजिएगा, तो इससे आपका गैलरी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको कंबाइंड ही रखा है, कोई सेपरेशन नहीं दिया है। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपका चैनल गेट हो गया, यहाँ से आपका पैसेज हो जाएगा। पीछे साइड में आपका सीढ़ी हो जाएगा इस तरीके से, आपका सीढ़ी इस तरीके से क्लॉक वाइज आपका रहेगा, डॉग लेग में आपका सीढ़ी रहेगा। सीढ़ी का जो विड्थ बनाया गया 7 फीट में है और एक सीढ़ी की जो चौड़ाई है 3 फीट 4 इंच है। ठीक है, और ऊंचाई की बात करें तो 7 इंची है, थ्रेड की बात करें 10 इंची है। अगर ये दुकान के लिए आपको कोई टॉयलेट वगैरह बनाना है तो आप सीढ़ी के नीचे टॉयलेट वगैरह बना सकते हैं या फिर इस जगह पे बना सकते हैं, क्योंकि स्पेस काफी है तो आप आराम से इसके नीचे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था ग्राउंड फ्लोर। और फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको फर्स्ट फ्लोर मिल जाएगा पूरा इसी तरीके से। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचेंगे तो आप हर फ्लोर पे इसको 2 फ्लोर 3 फ्लोर आप बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको आराम से आप रेंट पे दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दरवाजा दिया गया है, जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपका हॉल एरिया हो जाएगा। यहीं पर एक हॉल एरिया हो जाएगा, कोई भी गेस्ट वगैरह आता तो आप इसको इनको यहाँ पर बैठा सकते हैं, इसको लिविंग हॉल वगैरह इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक आपको टॉयलेट बाथरूम मिलेगा, इस तरीके से टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। इस जगह पे आप डक्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा छत में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको किचन मिलेगा। फिर यहाँ पे बाहर निकलने के लिए, बालकनी में आने के लिए यहाँ पे आपको एक गेट दिया गया और ये आपको एक बेडरूम मिलेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और 2 बेडरूम बना सकते हैं और छोटा सा डाइनिंग स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार मैं साइजेस आपको बता देता हूँ, हमने किस साइज में क्या चीज़ रखा है। ग्राउंड फ्लोर का तो सारा कुछ डिस्कस ही है, सब कुछ उसमें हॉल ही है। तो ये आप देख सकते हैं 10 फीट आपकी चौड़ाई रहेगी इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बेडरूम हो गया 10 फीट चौड़ाई में और ये आपका 10 फीट 4 इंच में आपकी लंबाई रहेगी। आप देख सकते हैं 10 फीट 4 इंच और ये आपका 10 फीट में। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको किचन की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं 6 फीट आपका किचन हो गया इस तरीके से, आपका 6 फीट चौड़ाई में किचन हो गया। और ये लंबाई की अगर बात करें तो 8 है गया। ठीक है, 6x8 में आपका एक किचन वगैरह इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर लास्ट में बात करें तो ये आपका टॉयलेट रूम हो गया 3.5 फीट का चौड़ाई में, और लंबाई की बात करें तो 8 फीट आपकी लंबाई में इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से लंबाई में आपको 8 फीट का किचन वगैरह आपको मिल जाएगा। पीछे साइड में चलेंगे तो ये आपको हॉल एरिया मिलता है 11 फीट में। ठीक है, आप देख सकते हैं 11 फीट में आपको हॉल एरिया मिलता है। और लंबाई की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये 13 फीट 14 फीट 2 इंच आपको लंबाई में मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा प्लान है। बाहर की दीवार जो हमने 5 इंची रखा है, अंदर की दीवार 4 इंची रखा है, फ्रंट की केवल दीवार 9 इंची रखा है, ताकि आपका यहाँ पे चैनल गेट वगैरह लगे, यहाँ पे गेट वगैरह खिड़की वगैरह लगेगा, तो फ्रंट वगैरह की दीवार केवल 9 इंची रखा है। तो इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर का पूरा डिटेल है। और सेकंड फ्लोर की बात करें तो इस तरीके से आपका सेकंड फ्लोर आपका पूरा इस तरीके से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये था पूरा प्लान का डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।